हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र राठौड़। चलिए आज के वीडियो में एमएस एक्सेल में जो सीखने वाले हम लोग वो डेटा मेन्यू के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था डेटा वैलिडेशन तक का, ठीक है। अब आगे इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो कंसोलिडेट के बारे में। तो सबसे पहले कंसोलिडेट के बारे में समझने से पहले जानना होगा ये हमें कि जैसे कि मल्टीपल सीट होता है 1, 2, 3, ठीक है। अब देख सकते हो तो होता क्या है, कभी कभी जैसे 1 का सीट का जो भी मान के चले जो भी डेटा रहता है, हमें 1 और 2 सीट का हमें 3 सीट में उसका टोटल करना है। तो हम इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं या फार्मूला के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो चलिए हम पहले फार्मूला के थ्रू ही कर लेते हैं। तो जैसे मेरा सीट नंबर पे 1 सीट पे ये मेरा डेटा है, ठीक है, और 2 पे मेरा ये डेटा है, ठीक है। उन दोनों को हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला के थ्रू किस तरीके से करते हैं कर देख लेते हैं। इज इक्वल टू सीट नंबर 2 पे जाना है आपको, ये मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया, फिर प्लस, ठीक है, फिर आपको सीट नंबर 1 पे जाना है और ये सेल सेलेक्ट करके प्रेस एंटर कर देना। अब देख सकते हो यहाँ पे इसका टोटल इसने निकाल दिया। इसके बाद फिर से हम देख लेते हैं अब कंसोलिडेट के थ्रू किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको कंसोलिडेट पे जाना है, जहाँ मैंने कुछ वैल्यू पहले से ऐड कर रखा है उसको हटाना है। देखिए यहाँ पे गेम है, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स लेना है, कहाँ का वैल्यू आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्ट्रीट पे गया, यहाँ पे मैं क्या किया, ये वैल्यू ले लिया। इसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद ऐड कर दिया मैं यहाँ से। ऐड करने के बाद फिर से हम सोर्स पे गए, ठीक है, और पूछ रहा है आप कहाँ का वैल्यू फिर चाहिए। तो मैं यहाँ पे गया सीट नंबर 2 पे और ये वैल्यू मैंने ले लिया, ठीक है। और फिर से मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको चेक करना है क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, यहाँ पे क्लिक कर चेक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके जैसे ही किया मैंने, यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे आ गया। अब देखो जैसे ही उन दोनों में, दोनों केस में एक ही आएगा। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे 10,000 को मैं 12,000 कर देता हूँ सपोर्ट, ठीक है। तब देख सकते हो यहाँ भी तीसरे नंबर सीट में भी ये चेंज हो रहा है दोनों का दोनों में, ठीक है। तो हम चाहे फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं, चाहे कंसोलिडेट के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाओ, आप चाहो तो इसे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। ओके गाइस, अगला हम लोगों का जो ऑप्शन है वो है व्हाट इफ एनालिस यू, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डेटा टेबल। तो सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिनेरियो मैनेजर के बारे में, सिनेरियो मैनेजर होता क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानने से पहले सपोज डेट आप जान लीजिए, जैसे एक कंपनी थी, जैसे गाइस, अब एक कंपनी जब मैंने खोला था तो मैं अपने हिसाब से ये रखा था कि इस कंपनी का जो पर मंथ का जो इनकम होगा, ठीक है, वो 15,000 से एवव होगा या 15,000 रुपये होगा, ठीक है, इसका इनकम होगा। लेकिन किसी कारणवश क्या हो गया, तो कंपनी का जो किसी कारणवश इसका उतना नहीं हो पाया, चाहे सेलिंग मार्केट की वजह से या आपको कहा जाए तो सेल्स मार्केट की वजह से या बहुत सारे ऐसा रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो मेरा 15,000 का पर मंथ का टारगेट पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसे हम किस तरीका से हम देखते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जनवरी का ले लेता हूं मैं यहां से, गाइज। तो सपोज डेट मेरा 15,000 का टारगेट है, लेकिन 15,000 ना पूरा होकर के 13,000 आया, ठीक है। इसके बाद दूसरे मंथ में हमारा जो आया वो आया 11,000, तीसरे मंथ में 10,000, 9,000, 7,000, 5,000, ठीक है, इतना हमारा टारगेट पूरा हुआ। इसके बाद इसका टोटल जो हो गया, अब यहाँ पे टोटल मैं कर दिया एंटर, अब ये इसका टोटल जो हुआ इतना हुआ। तो आप देख सकते हो
इसके बाद हम इसी को व्हाट इज इनफ रिव्यू के बारे सॉरी व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसके थ्रू अगर हम देखना चाहते हैं अपने मतलब कंपनी का, कि मान के चलिए अगर 13,000 से भी अगर कम होता तो हमारे कंपनी का इनकम कितना होता, अगर 13,000 से एबव होता तो हमारे कंपनी का कितना होता, तो इसे सिनारियो मैनेजर के थ्रू आसानी में समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले गए सिनारियो मैनेजर में। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, ऐड ऐड पे क्लिक किए हम यहाँ पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे नाम देते हैं, सोर्स नेम दे देते हैं, सपोज डेट की मिनिमम, ठीक है। इसे मिनिमम होता तो कितना होता, ठीक है। तो इसके बाद हम सोर्स पे गए, ठीक है, चेंज चेंज सेल पे कि कौन सा वैल्यू चेंज हो, तो यहाँ पे गया मैं, ये वैल्यू ले लिया, ठीक है, यहाँ तक का वैल्यू ले लिया फिर ओके। इसके बाद यहाँ लेने के बाद हम क्या कर दिए, ओके किए जैसे। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मान के चलिए 13,000 से पहले वैल्यू में कितना होता, 13,000 से सपोज मैं यहाँ पे डाल दिया कि 13,000 के बदले यहाँ पे 11,000 होता, 10,000 होता, 10,000 होता, 11,000 के बदले 9,000 होता, सात हजार होता, पांच हजार, तीन हजार, ठीक है। ये मैंने डाल दिया मिनिमम में, इसको आपको ऐड करना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैक्सिमम डालना है आपको, मैक्सिमम कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता, तो फिर सोर्स में आपको जाना है यहीं पे, ठीक है। इसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से आपको कितना अभव होता, मान चलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे 15,000 मैं कर दे रहा हूँ, अब यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं 12,000, 10,000 के बदले 12,000 आता तो, ठीक है। 9,000 की जगह पे मैं कर रहा हूँ 10,000, अब यहाँ पे 9,000, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करके, अब जब हो जाए दोनों ऐड हो जाए तो ओके कर दीजिए आप। मैं यहाँ पे ओके कर दिया तो आप देख सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का दोनों ऐड हो गया हुआ है, ठीक है। अब इसको करते क्या है, एक मतलब मैंने आपको इसके बाद जाना है किसमें, तो समरी में जाना है। समरी में जाने के बाद आपको ओके कर, अब आपको सोर्स लेना है कि कौन सा इफेक्ट दिखाए किसके अनुसार, तो इस पर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। आप में अगर सेलेक्ट हो तो छोड़ दीजिएगा, मेरे में भी सिलेक्ट था, ठीक है। इसके बाद ओके कर दीजिएगा। अब देख सकते हो इसने क्या कर दिया, एक सिनारियो मैनेजर के थ्रू ये रिपोर्ट हमारा कर दिया। कि आप देख सकते हो जैसे कि सपोर्ट डेट मान लो आपका इतना था, जब 13,000 आ रहा था तो इतना था टोटल, ठीक है। इसके बाद अगर इतना मिनिमम जो होता तब आपका इतना वैल्यू होता, ठीक है, इनकम होता, और मैक्सिमम जो होता तो आपका इतना होता। तो ये वैल्यू तो मैंने खुद से ऐड कर रखा था। यही होता है एक सिनारियो मैनेजर क्या करता है, एक मतलब डेटा टेबल के थ्रू दे देता है, प्रेजेंटेशन की तरह दे देता है, सिनारियो की तरह दे देता है, ठीक है। तो आप ये आसानी में सिनारियो मैनेजर के तरह आप देख सकते हो, यूज कर सकते हो। ये कुछ माइनस प्लस के चिन्ह आ गए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे टोटल को आपको छिपाना है तो आप इसे टोटल को हटा सकते हो, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हो, ग्रुप अनग्रुप कर सकते हो, यहाँ से इसको भी हटा सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यूज करके देख सकते हो क्या सब आए नहीं है। डेट भी यहाँ पे शो कर रहा है सिनेरियो मैनेजर का कि कब ये बनाया गया है। ओके गाइस, तो आप लोगों आई होप कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सिनेरियो मैनेजर। चलिए अगला वीडियो अगले के लिए, ठीक है, डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।